हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेस्ट मटेरियल गेम। देखिए, हमारे घर में बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि वेस्ट होता है, तो क्यों ना हम उनको यूज़ करें और अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ उनका बनाएं गेम। तो आज मैं कुछ ऐसा ही गेम लेके आई हूँ जो आप 2.5 से 4-5 साल तक के बच्चों को देंगे तो वो कम से कम 1 घंटा तो इसमें लगा ही रहेगा। देखिए, पेरेंट्स बाजार से कितने सारे गेम लेके आए, और आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ खेलने के लिए जरूर चाहिए होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग गेम लेके आई हूँ जो आप अपने बच्चे के लिए घर पर ही बना सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिएगा? उसके लिए चाहिएगा एक कार्डबोर्ड, स्क्रैप पेपर, शूलेसिस, फेविकॉल एंड सीजर। अब बात आती है हम इस गेम को कैसे खेलें। तो हम ऐसे डालेंगे शूलेसिस को, बच्चे को बोलेंगे इसमें से ऐसे डालें, ऐसे निकालें, फिर ऐसे डालें एंड फिर ऐसे। फिर बच्चे को आप इसको निकालने को बोलिए, बच्चा इसको धीरे धीरे ऐसे निकालेगा। जैसे जब मैंने अपने बेटे से ये गेम करवाया था, वो बहुत खुश हुआ था। उसने बोला कि मम्मा ये गेम तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो बार बार आप अपने बच्चे को इसमें से डालने और निकालने का जब बच्चों को गेम मिल जाता है तो वो इसमें उनका जो है ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है और बच्चे इसमें बहुत खुश होकर ये गेम खेलते हैं। इस तरह आप बच्चे से बार बार इस तरह का गेम ये करवा सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको बनाएं कैसे। उसके लिए हमने लिया है एक स्क्रैप पेपर। स्क्रैप पेपर को हम ऐसे अब हमें चाहिए होगा गम यानी कि फेविकोल। हम इसको ऐसे रोल करेंगे, हम इसको ऐसे रोल करेंगे और यहाँ पर हम ऐसे इसको लगाएंगे। आप ये डिफरेंट कलर के भी ले सकते हैं, अलग अलग कलर के लेंगे तो बच्चा और भी ज़्यादा खुश होएगा। और फिर हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड पर फेविकोल लगाएंगे और उसको ऐसे यहाँ पर चिपका देंगे। कार्डबोर्ड आप कैसे ले सकते हैं, देखिए बच्चों को शूज बॉक्स आते हैं, बच्चों के गारमेंट्स आते हैं, उनके उनको कटिंग करके आप ऐसा कार्डबोर्ड ले सकते हैं और बच्चे के लिए ऐसे गेम बना सकते हैं। आप इसको इन पे साथ के साथ नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर फिर बच्चे से बोलना 1 में से, फिर 2 में से, फिर 3 में से, फिर 4 में से, फिर 5 में से, ऐसे बच्चे इसको शूलेसिस को निकाल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।